हेलो एवरीवन। इंश्योरेंस क्लेम्स पे आ जाते हैं। हम दो क्वेश्चंस रहते हैं हमारे इंश्योरेंस क्लेम्स के, इंपॉर्टेंट है दोनों, ध्यान से देखना। 17th क्वेश्चन, आओ चलो। अ ट्रेडर इंटेंड्स टू टेक अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी विद इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 months। हाउएवर ही कुड नॉट डिसाइड द पॉलिसी अमाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। Suggest the policy amount. Turnover in the last financial year is 4,50,000. Standing charges in the last financial year is 90,000. Net profit earned in last year was 10% of turnover, and same trend is expected in the subsequent year. Increase in turnover expected 25%. To achieve additional sales, ट्रेडर हैज टू इंकर एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 31,250। बस ना देखो, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन सिंपल है, थोड़ा ध्यान से एक काम करो, क्वेश्चन की ना सेकेंड लाइन पढ़ो और बताओ हमें निकालना क्या था। सजेस्ट द पॉलिसी अमाउंट, मतलब पता है क्या आपको इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन की तरह क्लेम का अमाउंट नहीं निकालना है, आपको निकालना है पॉलिसी अमाउंट, मतलब कितने रुपए की पॉलिसी हमें लेनी चाहिए वो निकालना है। ठीक है, हमें पॉलिसी कितने रुपए की लेनी चाहिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कितने रुपए की लेनी चाहिए वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट। अब मेरी ना एक छोटी सी बात पहले सुनो, ये जो पॉलिसी है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, याद करना मैंने आपको बताया था कि ये पॉलिसी दो चीजें कवर करती है। एक तो लॉस ऑफ जीपी को कवर करती है, जीपी के लॉस को कवर करती है, और इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग को ये पॉलिसी क्या करती है, कवर। तो ये पॉलिसी दो चीजों को कवर करेगी, जीपी के लॉस को और इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग को। ध्यान से सुनना, आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को छोड़ दें, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर छोड़ दें तो बाकी जितनी भी पॉलिसीज होती है ना वो सब 12 महीने की ही होती है। मतलब आपको 12 महीनों के बाद, एक साल के बाद उन पॉलिसीज को क्या करवाना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है। तो अगर मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की बात करूं तो ये भी आप मैक्सिमम कितने पीरियड की ले सकते हो, 12 महीने की ही ले सकते हो, इससे ज्यादा की आप ले ही नहीं सकते। तो हर साल ये पॉलिसी आपको क्या करवानी पड़ेगी, रिन्यू करवानी पड़ेगी। अब मेरी बात सुनना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, आपको बस मुझे क्या बताना है, आपको मुझे बताना है इस साल का बस जीपी बताना है और इस साल का इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग बताना है, आंसर आ जाएगा। क्या बताना है, इन 12 महीनों का, इन पिछले नहीं बोल रहा हूं, इन 12 महीनों का जीपी बताना है और इन 12 महीनों का इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग बताना है, दैट्स इट, क्वेश्चन हो जाएगा। इन 12 महीनों का जीपी, सुनो मुझे बताओ पिछले साल का टर्नओवर क्या था। देखो पिछले साल का टर्नओवर क्या था, 4.5 लाख। मुझे एक बात बताओ अगर इस साल आग ना लगे, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, अगर इस साल आग नहीं लगती तो मैं इस साल कितना टर्नओवर कमा सकता था, नीचे पढ़ना, टर्नओवर में 25% का इंक्रीज आने की उम्मीद है आपको। तो मुझे बताओ अगर इस साल का टर्नओवर 4.5 लाख है, पिछले साल का टर्नओवर अगर 4.5 लाख है, तो इस साल उस टर्नओवर में 25% का इंक्रीज आएगा, मतलब टर्नओवर ऑफ करंट ईयर कितना होगा, 4.5 लाख तो पिछले साल ही था, उसमें 25% का इंक्रीज आएगा, तो इस साल का टर्नओवर होगा 562,500। अब बताओगे इस टर्नओवर पे मैं जीपी रेशियो कितना कमाऊंगा। अच्छा एक काम करो, याद करो अभी तक जीपी रेशियो कैसे निकालते थे, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर
प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। चलो करो, मुझे बताओ नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना था? 10% ऑफ टर्नओवर, तो 4.5 लाख के टर्नओवर का 10% 45,000 का नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट ईयर, मान के चल रहे हैं सारे स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड है, 90,000 डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर 4.5 लाख इंटू 100 30%, तो जीपी रेशियो आ गया पिछले साल का 30%। तो मुझे बताओ करंट ईयर का टर्नओवर है 562,500, करंट ईयर का जीपी रेशियो है 30%, तो बताओ करंट ईयर का जीपी कितना आएगा? 562,500 का 30% 168,750। ये मेरा इस साल का क्या आ गया जीपी। लो एक चीज तो आ गई, और क्या चाहिए आपको इस साल की? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। लास्ट लाइन पढ़ो, टू अचीव एडिशनल सेल्स ट्रेडर हैज टू इंकर एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 31,250। तो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग 31,250। लो एड अप करो, मुझे बताओ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कितने रुपए की लोगे? 168,750 प्लस 31,250, 2 लाख रुपए की पॉलिसी। सिंपल सा था, तो बस कुछ नहीं करा है मैंने, मैंने इन 12 महीनों का करंट ईयर के 12 महीनों का जीपी निकाला और करंट ईयर के 12 महीनों का इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग आपको दे रखा था। चलो एक और करा रहा हूं आपको, ध्यान से सबसे लास्ट क्वेश्चन आ जाओ 25th, ध्यान से जरा क्वेश्चन नंबर 25th। मेसर्स प्लैटिनम ज्वेलर्स वांट्स टू टेक अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर द ईयर 2015। एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंडेड 31st December 2014 प्रोवाइडेड बिलो। वेरिएबल एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे रखा है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस में वेजेस दे रखी है, सैलरी ऑडिट फीस रेंट बैंक चार्जेस इंटरेस्ट इनकम नेट प्रॉफिट। टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 25% नेक्स्ट ईयर टू मीट ग्रोइंग कैपिटल ग्रोइंग वर्किंग कैपिटल नीड्स द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू अवेल ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंकर्स एट 12% इंटरेस्ट। एवरेज डेली ओवरड्राफ्ट बैलेंस विल बी अराउंड 2 लाख। वेजेस फॉर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन विल इंक्रीज बाय 20% एंड सैलरीज बाय 10% इन द करंट ईयर। ऑल अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन सेम। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन फॉर करंट ईयर बाय मेसर्स प्लैटिनम ज्वेलर्स। फिर से देखो वही बात है, आपको निकालना है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन फॉर करंट ईयर। सबसे ऊपर पढ़ो, सबसे ऊपर मेसर्स प्लैटिनम ज्वेलर्स वॉन्ट्स टू टेक अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर द ईयर 2015। तो कौन से साल के लिए पॉलिसी चाहिए? 2015 के लिए। और बताओ कि नीचे जो ये डेटा दे रखा है वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस का, ये कौन से साल का है? 2014 का है। चलो एक काम करो, अभी कुछ मत सोचो, एक ट्रेडिंग पीएल बनाओ सब 2014 का। ट्रेडिंग पीएल बनाओ, चलो सब 2014 का। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट 18,60,000, फिर वेजेस 1,60,000। अच्छा याद रखना, सैलरी ऑडिट फीस रेंट बैंक चार्जेस इंटरेस्ट इनकम नेट प्रॉफिट, ये सब पीएल का पार्ट है। तो एक दो लाइनें छोड़ दो और पीएल बनाना शुरू करो। टू सैलरी 2,80,000, ऑडिट फीस 40, रेंट 64, बैंक चार्जेस 18, बाय साइड पे इंटरेस्ट इनकम 44 और नेट प्रॉफिट 672। लो जो जो इंफॉर्मेशन मेरे को दे रखी थी मैंने रख दी। चलो अब ट्रेडिंग पीएल को कंप्लीट करते हैं। मुझे बताओगे जरा नेट प्रॉफिट प्लस ये खर्चे माइनस इंटरेस्ट क्या बचेगा? जीपी आ जाएगा ना, बाय जीपी ब्रॉड डाउन करो जरा क्या आता है।
672 प्लस 18 प्लस 64 प्लस 40 प्लस 280 माइनस 44, 10,30,000 का जीपी। कैरेट डाउन करो, टू जीपी कैरेट डाउन 10,30,000। अच्छा आप मेरे को एक बार बताओ, इसे जरा टैली करो, 10,30,000 का जीपी प्लस 1,60,000 की वेजेस प्लस 18,60,000 का मटेरियल, 30,50,000 ये आपकी आ गई सेल्स बैलेंसिंग फिगर, 30,50,000। तो हम बैकवर्ड चल के हमने 2014 की सेल्स निकाल ली जो आपको दे नहीं रखी थी। अब चलो एक काम करते हैं, सुनो सुनो मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको पॉलिसी अमाउंट ऑफ पॉलिसी निकालनी है 2015 की। मैंने क्या कहा, ये पॉलिसी दो चीजें कवर करती है, 12 महीनों का जीपी मतलब 2015 का जीपी कवर करेगी और 2015 का इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग कवर करेगी। चलो एक काम करो, एक ट्रेडिंग पीएल बनाओ, या पीएल बनाने की जरूरत नहीं है, खाली ट्रेडिंग बना लो 2015 का। जीपी निकालते हैं 2015 का कितना होगा, जीपी 2015 का पढ़ो, नीचे आओ, टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 25% नेक्स्ट ईयर। तो बताओ कि मेरी 2014 की सेल्स क्या थी, 30,50,000, 25% से बढ़ जाएंगी तो 38,12,500। अच्छा और क्या क्या आएगा, मटेरियल, अच्छा याद रखना मटेरियल लिखा हुआ है ऊपर, वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब जितने से टर्नओवर बढ़ेगा उतने से मटेरियल बढ़ेगा, मटेरियल 18,60,000 था, टर्नओवर 25% से बढ़ा, मटेरियल भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा 23,25,000। लेबर नीचे पढ़ना, लेबर में इंक्रीज आ रहा है 20% का, लेबर थी 1,60,000 प्लस 20% 1,92,000। बस ये आपका जीपी आ गया 2015 का। पहली चीज तो आ गई 12 महीनों का जीपी। अब क्या चाहिए, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन 12 महीनों की, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अब मुझे बताओ और किस किस कॉस्ट में इंक्रीज आया है, और किस किस कॉस्ट में इंक्रीज आया है, एक तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आ गया है, करना निकालना, 2,00,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट है उस पर 12% का इंटरेस्ट, तो 24,000 रुपए का तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आ गया। और बताओ कौन से खर्चे में इंक्रीज आया है, सैलरीज में इंक्रीज आया है 10% से, तो 2,80,000 की सैलरी पे 10% 28,000 रुपए का इंक्रीज, तो 52,000 इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग हो गई। तो बताओ बस अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी आ जाएगी, 12 महीनों का जीपी है 12,95,500, 12 महीनों का इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग है 52,000, तो 13,47,500। बस ये आपकी क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी। तो जब भी पॉलिसी निकालने को आए ना, बस कुछ नहीं करना, 12 करंट ईयर के 12 महीनों का जीपी निकाल देना, करंट ईयर के 12 महीनों का इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग निकाल देना, ठीक है। चलो कल एक क्लास इस पे अभी और देंगे, उसमें मैं आपको ना एग्जाम के क्वेश्चंस करवा दूंगा इस चैप्टर के, ठीक है। चलो बाकी हम कल करते हैं।